हम आ चुके हैं होता है और यहाँ पे पानी भरने का सिस्टम, ये हाथों से मोटर चला रहे हैं भाई पानी पीने के लिए भर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सनातन धर्म की। तो मैं रात गांव आया हूँ, यहाँ पे अभी कुछ काम काज कर रहे थे, चलो वो आपको दिखा लेते हैं भाई, मोटर का कुछ सिस्टम था। बहरहाल अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चले जी भाई, देख लेते हैं ये काम कर रहे हैं। और ये टी में बनवा के आए हैं, तकरीबन ये टी हमें पड़ी थी 800 रुपये में। तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती कि जब हम अपने जो भैंसे हैं, बकरियाँ हैं, उनको पानी पिलाने के लिए, तो ये मोटर यहाँ पे सोलर वाली मोटर पड़ी हुई है, कोई नलका लगा हुआ। वैसे मोटर अगर नहीं लगाई तो चला के ये ड्रम बनना पड़ता है, ये वाले सारे उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो उस वजह से अभी ये सेटअप लेके आए तो ये लगा देंगे, तो मोटर से जो भी पानी भरना होगा भर लेंगे। अंजलि हाय, तो ये अंजलि भी काम कर रही है, देखो बाय बाय। अंजलि नाम शूद है ये भाई साहब अभी बना रहे हैं यहाँ पे, अपने तरीके से सेटिंग करेंगे भाई, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, बट ये कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? अंजलि। माय नेम इज अंजलि। अंजलि तार बजा दे, बाबा जान तार बजा, हाँ कौन दे आशू दे, अंजलि आशू दे, प्लेट आशू दे, आशू दे अंजलि, एल्बो लागो दरिया है। मन तो इस मोटर से जो पानी भरना होता है, ये भी ये सुबह मैंने भर दिया था भाई, ये ड्रम भर देते हैं तो आसानी हो जाती है पानी पिलाने के लिए वो भी। और यहाँ पे ये अपनी भैंसें, तो ये अपनी भैंसें अभी कुछ ही दिनों में ब्याह जाएगी, फिर दूध और मक्खन वगैरह घर पे बनाएंगे सब कुछ, वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये दो भैंसें हैं अपनी, और ये ऑटो रिक्शा है, और आज धूप भी तगड़े वाली हो रही है। यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में, ये पूजा है, ये अंजलि है, और ये इनके बाबा है जीरा भाई। क्या हुआ? अरे हाँ, टुकड़े लगा फिलहाल लगाओ तो चेक करो क्या होता है क्या नहीं। सेटिंग कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एक चीज़ एल्बो कम हो गया भाई, जो टेढ़ा सा लगता है ना पाइप, अगर टेढ़ा लग जाता तो दिक्कत नहीं होती, सारा कुछ ओके हो जाता। को डाली अगर नहीं है ऐसे कट जाएगा। एक रेड पाइप और होगा ना यार, ये इसमें होगा, तो ये भी पड़ा है, ये इसको गर्म होने के लिए रखा है। तो वैसे यहाँ पे धूप में रखा हुआ है कि ये गर्म हो जाएगा, असल में धूप बहुत टाइट वाली है ना, उसको जहाँ से ये कट गया, अभी पानी आ रहा है। यहाँ पे ये लगेगा, इसको गर्म करें, खड़ी है गर्म तो था, तो तुमने चेक करी तो एक दफा है ये पाइप वहाँ पे लगा, उसके हिसाब से वहाँ फिक्स पर डेली निकालना पड़ेगा ये वो। एल्बो चाहिए ना? अरे एल्बो और ना लाशर नो, अरे एल्बो ले आएंगे उसे लगा दे, टुकड़ा ये लगाओ हैं, आशू दे पापा ना, उशू दे पापा, मैजिक मैजिक बाल बाल दे ऑलमोस्ट लगा दिया, लेकिन इसमें एक हमें जॉइंट की जरूरत पड़ेगी। असल में क्या सीन है कि यहाँ पे जब मोटर में फिक्स करेंगे, यहाँ पे हमें एक एल्बो चाहिए यहाँ से कनेक्शन देने के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे नीचे मोटर जाएगा और ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से हमें एक एल्बो चाहिए, एल्बो में हम टर्न करके यहाँ से पाइप लगा सकते हैं। बस फाइनली अभी यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया ये वाला,
और अभी यहाँ से सीधा जा रहा है पानी नलके में। यहाँ पे हम हैंडपम्प से भी चला सकते हैं और अभी मोटर का यहाँ पे कनेक्शन लगाते हैं। बस बंद हो गया भाई, अभी यहाँ से इसको लगा के वाले चेक करो इस पंप से। सही है, ओके। यहाँ पे लीकेज वगैरह नहीं हो रही, चेक कर। चले जी अभी बैठते हैं और शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल का कुछ पता नहीं है, बट फिलहाल यहाँ पे बैठते हैं। धूप भी तो बहुत तगड़े वाली है, अभी दिन के 1 बज रहे हैं और धूप भी बहुत टाइट वाली हो गई, तो अभी भूख भी लगी है। सिटी में होते हैं तो बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे साहब हमारे लिए बना रहे हैं खाना, क्योंकि भूख सब। आज हम टमाटर वाली मिर्ची बना के खा रहे हैं और यहाँ पे ये भी हमारे चूल्हे पे खाना बनता है, वहाँ पे गैस पे बनता है, यहाँ पे इसमें लकड़ियों से खाना बनता है भाई, प्योर होता है ये वाला। तो यहाँ पे अभी बन गए या इसको बना ऊपर चढ़ा के वो करोगे? बस ये वाले खाएंगे अपन। चले जी, ये आटा। तो गाइस यहाँ पे अभी काम खत्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं मंडी की साइड और वहाँ की स्थिति आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई क्या कंडीशन है क्या नहीं है। हिंदू भाइयों की पन्नी की साइड जा रहे हैं मैं और जीरम भाई दोनों, सब यहाँ से बहुत ही तगड़े वाले। गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से और यहाँ पे अभी तक बारिश का पानी ठीक ठाक रुका हुआ है, तरफ थोड़ा कम है पानी। अभी हम जा रहे हैं पन्नी की साइड। गाइस सुबह में यहाँ पे आया था पेट्रोल भराने के, यहाँ पे सेम शॉप पे, ये अपने हिंदू भाई की शॉप है, और अभी हम जा रहे हैं बन्नी की साइड, तो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हुए चले, क्योंकि उस साइड पेट्रोल नहीं मिलता और पेट्रोल यहाँ पे तकरीबन 280 रुपये लीटर है। बाकी गांव की साइड है, लेके आते हैं जाते हैं तो उसका किराया वगैरह लगता है, हर चीज़ डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको ये घर नज़र आ रहा है, इस तरफ भी एक गाँव है, ये भी एक गाँव है, ये भी एक गाँव है, सब अपने हिंदू भाइयों के घर है और यहाँ पर ये रास्ता लेके हम जाएँगे इस तरफ। ये हम आ चुके हैं होता और यहाँ पर पानी भरने का सिस्टम, ये हाथों से मोटर चला रहे हैं भाई पानी पीने के लिए भर रहे हैं। जैसे आपने पहले देखा और यहाँ पे मामू जी वालों ने एक राउटर लगाया है पानी भरने के लिए, ये नहर है बराबर में, अब यहाँ से ये पानी ट्रांसफ़र हो रहा है, इस बीच पर आएंगे, ये बीच जो सामने लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम निकलते, पानी वगैरह भरा दिया तो अभी भाई चलेंगे बाइक, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं वापसी घर पे और अभी शाम कर लिए सारा काम काज खत्म करके अभी वापसी जाएंगे घर। तो बस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे और ये थे अपनी आज की जो जर्नी या फिर आज का डे। तो अभी घर पर पहुँच चुके हैं और शाम डल चुकी है, अभी मच्छरों का आने का भी टाइम हो चुका है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।